अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस आर दे रखा है 8 ओम, करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए, तो टाइम दे रखा है 2 आवर्स। आवर्स को आप ऐसा करिएगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करिएगा, 60 × 60। ओके, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। फाइंड क्या करना है, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। जहाँ भी रेट वर्ड लिखा है उसका मतलब डिवाइडेड बाई टाइम होगा। तो वैसे तो फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, या ऑलरेडी टाइम से डिवाइड कर दिया है, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा, टाइम का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों दे रखे हैं। अगर रेट एट विच लिखा है तो आप ऐसे करेंगे, अगर लिखा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, तो आप क्या करेंगे, तब आप टाइम को भी पुट करेंगे। ओके, फिर ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ दे रखे हैं, ये आज का आपका होमवर्क है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करने हैं आपको। ओके, और एक टॉपिक यहाँ पर रिमेनिंग है, वो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लास्ट टॉपिक होगा आपका, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो टॉपिक है वो कैसे होगा, उसमें आपको करना ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो थोड़ा सा पोर्शन 9th में भी आप पढ़ कर आए हैं, और एनर्जी कोई भी एनर्जी हो वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था पावर का 9th क्लास में, कि पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से आप वर्क डन फाइंड करेंगे तो होगा पावर इंटू टाइम, और वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। उसका सिंबल यहाँ कैपिटल ई बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम होगी। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक मतलब तो ये है कि वो एनर्जी जिससे कि डिवाइसेस को ऑपरेट किया जाता है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरी बात ये भी बता सकते हैं जो यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिक पावर जैसे डिवाइसेस जो हैं वो सबकी पावर अलग अलग होती है। आपने सुना होगा कि बल्ब्स जो हैं वो, कोई बल्ब 50 वाट का होता है, कोई 100 वाट का होता है। उसी तरह से जो बड़ी डिवाइसेस हैं जो ज़्यादा करंट लेती हैं, जैसे हीटर, तो हीटर जो है वो बहुत बड़ी पावर, मतलब किलो वाट्स में भी होते हैं, 1 किलो वाट का भी हो सकता है। रेफ्रिजरेटर भी ज़्यादा पावर का होता है, टेलीविज़न कुछ कम पावर का होता है। तो इस तरह से सबकी पावर अलग अलग होती है। तो जो पावर होती है वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, और टाइम का मतलब कितने टाइम के लिए डिवाइसेस चलाई जा रही हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि एक बल्ब जो है 50 वाट का है, ठीक है, 50 वाट कितने टाइम के लिए चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है मान लीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड्स में यहाँ नहीं होगा, आप एसआई यूनिट सेकंड मानते हैं, टाइम यहाँ घंटों में होता है। तो मान लीजिए बल्ब जो है वो 4 आवर्स के लिए ऑपरेट होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको यूनिट कौन सी लिखनी है। तो याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूनिट किलो वाट आर लिखी जाती है। तो यानी कि ये जो पावर 50 वाट थी इसको आपको बदलना है किलो वाट में, तो मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से। टाइम अगर आवर्स में दे रखा है तो वेरी वेरी गुड, आप डायरेक्ट वही पुट कर सकते हैं। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका जो ये आंसर आया उसमें आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, 20/100 बचा, और कैंसिल किया 2/10। 2/10 का मतलब 1/5 या 0.2। तो कितनी एनर्जी हो गई यहाँ पर, तो आंसर में आप लिख देंगे इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो 0.2, और क्या लिखेंगे, kWh। तो इसका मतलब ये जो बल्ब है ये कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है पूरे दिन में, मान लीजिए पूरे एक दिन में 4 आवर्स के लिए ये जलाया जाता है, तो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है पूरे दिन में, 0.2 kWh। ओके, तो इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये स्टडी करना है, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो रिवीजन वाले टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही है, ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप जो है वो पूछ लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिवीजन। ओके, सो थैंक यू।